साथियों, जो लिमिट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें कभी कभी क्वेश्चन मतलब ऐसे आ जाते हैं जो दिखने में बहुत भारी भरकम लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो होते नहीं हैं। अगर हमने लिमिट्स की जो कुछ जरूरी जो इन्फॉर्मेशंस है, जरूरी फॉर्मूले हैं, वो अगर पढ़ लिए तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, लिमिट का क्वेश्चन आपका कभी भी रोमनी होगा। मैं यहाँ पर वही काम कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने देख लो, ये क्वेश्चन दे रखा है एक अलग तरह के फॉर्म में। वैसे लिमिट के क्वेश्चन तीन पैटर्न में आते हैं, तीन पैटर्न होते हैं, ये तीसरा पैटर्न है, ध्यान देना। तो इसमें क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये बन रहा है आपके 5x होल पावर fx पैटर्न का है। और जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इसमें क्या करना है, इधर कुछ जेड कुछ मान लेना और फिर दोनों तरफ लॉग ले लेना। लोग लेते हैं आपका काम काफी इजी हो जाएगा। जैसे देख लो, लोग जेड ये मैंने लॉग लेते ही यहां पर लॉग की जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, कौन सी वाली, लॉग ऑफ एम पावर एन इक्वल टू एन लॉग एम लगा दिया, जो सब जानते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये से कॉमन फॉर्मूले आपको पता होंगे। अब इसमें अगली बात क्या ध्यान देने वाली है, जब कभी लिमिट वाले क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आवे तो आपको क्या करना कि उस फंक्शन को 1/x में बनाने की कोशिश करें, ताकि x की जगह आप 1/∞ पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। हम यहां यही काम कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करूंगा, log x टेंस टू इन्फिनिटी एज इट इज, और ऊपर नीचे फर्स्ट टर्म में x कॉमन लूं तो ये 6+1/x और नीचे 3+1/x बन जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। फिर बचा यहां पर लोग, यहां पर भी मैं ऊपर x स्क्वायर कॉमन लूं तो ये 3+2/x+1/x2 और नीचे बनेगा 1+1/x+2/x2, जो आपने x स्क्वायर कॉमन लिया ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब आप देख लो कि सारी टर्म 1/x की फॉर्म में है, बस आप इसके 1/x यानी x की जगह इनफाइनाइट पुट कर दो तो ये तो बना आपके पास में 6/3 log of और ये बन जाएगा 3/1, तो देखो आप 2 log 3 यानी कि log 9। मैंने इसी का प्रॉपर्टी को फिर से रिवर्स में यूज कर लिया, ठीक है, तो ये आपके किसके लोग जेड के इक्वल था, तो आपके जेड इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो, ये तो मैंने पूरा लिखा है प्रोसेस से और बोलने में देर लगी, बाकी ये 40 सेकेंड से 50 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन इजी वे में हो जाता है। इस लिमिट्स के क्वेश्चन में क्या खास बात देख रहे हो आप, कभी भी लिमिट वाले क्वेश्चन में मैंने कहा ना दो तीन पैटर्न फिक्स हैं, और जब कभी इसमें साइन आ रहा है इसका मतलब हम किसी न किसी एक खास फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमें दो चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, एक तो इसके अंदर हमें यूज करना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x/x जो कि 1 होता है, ये यूज करेंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूं कि जब कभी लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट आए तो फंक्शन को 1/x बनाने की कोशिश करें, ताकि आप एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट करो तो वो 0 आ जाए, यानी एक फाइनाइट वैल्यू, लेट एक्स इक्वल टू 1/y। तो अब जैसे ही 1/y करूंगा तो यह लिमिट वाई बन जाएगी और वाई आपके क्या हो जाएगा, 0 की तरफ अग्रसर होगा। अब यहां ये बात मैंने ले ली तो मैं इस फंक्शन को भी कन्वर्ट कर लेता हूं, 2/1/y ये आपका साइन और a/2 पावर
वन अपॉन वाई, ठीक है। जैसे ही ये टर्म बनी, अब मैं इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, चलो कोशिश नहीं करूं कर ही देता हूं, ठीक है। तो ये आपके इसमें a अपॉन टू पावर वन अपॉन वाई, और यहां पर a अपॉन टू पावर वन अपॉन वाई, मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं ऐसा करूंगा तो आपके ये जो पूरी टर्म है, ध्यान से अगर देखो तो इसमें भी जो लिमिट काम आ रही है, तो ये पूरा आपके क्या बन गया, वन, और यहां बचेगा आपके टू पावर वन अपॉन वाई, और ये ए अपॉन टू पावर वन अपॉन वाई। अब क्योंकि इस फंक्शन में वाई बन रहा है, तो इसलिए आपको यहां लिखना भी जरूरी है कि वाई टेंड्स टू जीरो, नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे ये टर्म दोनों कैंसिल हो गई आपके, और कैंसिल हो गई तो अब आपके बचा भी क्या, यही तो आंसर है ए। तो ऐसे और ऐसे क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन भी मिल जाते हैं, आप देख लो। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भारी काम नहीं है। लेकिन अगर इनको पहले समझा नहीं है, ठीक से किया नहीं है, तो आप ऐसे क्लू आपको नहीं मिल पाएंगे, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लिमिट्स के मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं, मैंने बहुत सारे बना रखे हैं इस पे, आप अगर उन वीडियोस में से किसी एक वीडियो को भी ठीक से देख लेते हो, आपका लिमिट का क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। टेलीग्राम पर सीएमपीसी चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण पीडीएफ और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।